आकांक्षाएं शायद बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं, पर वो तो इतर है, पर ये भविष्य की चिंता शायद ज्यादा है, जिस वजह से रुख बीजेपी का ये सभी नेता कर रहे हैं। और कितना भारी ये पड़ेगा और कितनी कमजोर कांग्रेस होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु, आगे बढ़ते हैं और जिक्र अब करते हैं लिस्ट का। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी हो सकती है। एमपी के 5 सीटों पर नाम आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संभावित जो नाम है, संभावित जो उम्मीदवार है, वो भी हम आपको बता देते हैं। उज्जैन का जिक्र किया जाए तो रानी जाटव यहां से प्रत्याशी बन सकती हैं। धार से गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी का नाम सामने आ रहा है। इंदौर से शंकर लालवानी हैं। बालाघाट से मौसम बिसेन, वैभव पवार, ये दो नाम चल रहे हैं, इनमें से एक का चुनाव करना है, शायद इसी में समय लग रहा है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए तो यहां पर तीन नाम सामने आ रहे हैं और इन तीनों में ही शायद एक पर शायद मुहर लगे, इसी में अभी शायद बीजेपी लगी हुई है कि किसे उतारना चाहिए मैदान में। मोनिका बट्टी है, नथन शाह हैं, बंटी साहू हैं, ये तीन नाम छिंदवाड़ा से सामने आ रहे हैं, इनमें से एक पर मुहर लगना तय है। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और इसी दौरान उन्होंने नाराजगी की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं पहले भी मिलने आता था, इस बार भी महज एक औपचारिक मुलाकात के लिए ही आया हूं। तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुलाकात के बाद जीतू पटवारी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह हमारे द्रोणाचार्य हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नाराजगी की बात केवल कोरी अफवाह है। पार्टी के काम के लिए आना जाना रहता है, पहले भी आते थे, आज भी आए, इसमें कोई नई बात कौन सी? कल नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात हुई, आज पीसीसी चीफ से मुलाकात हुई। किससे? नरोत्तम मिश्रा जी से मिल रहे हैं। आज से मिल रहा है क्या? हम मिलना कोई अपराध है क्या? अगर मिले आए किसी से तो आपके लिए खबर बन गई। कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? हम अब विचार कर रहे हैं। नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है? क्या नाराज? नाराज तो नहीं है? अरे कोई काय की होगी, पिता तुल्य है। और डाक साहब ने पूर जोर ये कहा कि जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, जब पार्टी ने कंसीडर किया ये हमारे विद्रोणाचार्य है और ये जी भी हम परिवार के लोग कांग्रेस के हर परिस्थिति में संघर्ष में और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर ले जाएंगे, डाक साहब हमारे सबसे अग्रज है। भिंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मंदिर में दर्शन करने गई भिंड लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सांसद संध्या राय का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई। स्थानीय लोगों और सांसद की बहस का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो में 5 दिन पुराना जो है वीडियो बताया जा रहा है। ये संध्या राय मेहगांव के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी और उसी दौरान इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और खरी खोटी भी सुननी पड़ी।